जय हिंद एवरीवन वेलकम बैक टू द दॉटिक आई एस द सी एस वाला डेली करंट अफेयर्स इसमें हम जो मेजर टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो तो पहले स्टार्ट करेंगे ए रामचंद्रन जिन जो जिनका डिमाइस हुआ है सैड थिंग बट यस ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम द आर्ट एरिया एंड ही बिलोंग फ्रॉम द पेंटिंग सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रव पी पेंटिंग पी फॉर द ओके Then we will study that how the heritage sites we are uh, maintaining. There has been the a order from the High Court of the Allahabad, and yes, still the condition has not improved because there has been the encroachment. Even the people are living inside the, uh, these monuments. This is the condition, and this is from the Lucknow area. So we will study under the GS paper one again.

सी एस आई आर का एन ए एल जो इसकी सब्सिडियरी है इसका जो बॉडी है उसने एक टेस्ट ड्रोन किया है वो कैसा बिहेव करेगा सी सैटेलाइट जैसे सैटेलाइट होती है ना चारों तरफ दैट रोटेट अराउंड दिस अर्थ और वहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड करती है पिक्चर्स इमेज लेती है इसका काम ये भी करेगा इससे ये हो जाएगा कि जो हमें क्लोज से काफ़ी क्लोज से कैमरा पिक्चर करेगा और जो इसका एक्सपेंडिचर होगा नॉर्मल सैटेलाइट से कम होगा फिर हम देखेंगे वेयर ए रोड इज द डेस्टिनेशन एक हम देखेंगे कि धोलावीरा एरिया जो कच्छ रीजन है वहां पे एक वे जो रास्ता ही है वो इतना उसके सिनिक ब्यूटी इतना अच्छा है कि वो ऐसा लगता है कि वो Even में जा रहा है तो उसका नाम ही द रोड टू दिया है तो उसको देखेंगे, उस एरिया में क्या क्या उसको देखेंगे। के प्रसपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है।, है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से इसको देखेंगे फिर हम देखेंगे वाटर एक्ट है उसको अमेंड किया है तो जीएस पेपर थ्री इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स ओके देन वी विल स्टडी द ये उत्तराखंड वाला यू है ऑलरेडी बहुत पढ़ा है तो रिक जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा और उसको जाएंगे डीप में देखेंगे कैसे कम्युनलिज्म से तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आएगा तो एक पॉइंटर आप लिख सकते हैं मेन है जी एस पेपर टू में जो फंडामेंट डी पी एस पी है उससे इंपॉर्टेंट है उसमें आर्टिकल फोर्टी फोर आर्टिकल फोर्टी फोर में साफ साफ बोला है कि वी हैव हाँ टू तो इम्प्लीमेंट क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान जाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे कि चाइल्ड सेफ्टी जो ऑनलाइन वर्चुअल है वो इंक्रीज होते जा रहा है नए नए टेक्नोलॉजी आते जा रहे हैं उनका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत ज़्यादा है बच्चे थोड़े वो उतने में चोर नहीं होते हैं उनको किससे कैसे बिहेव करना है किससे रिएक्ट करना है नहीं पता होता है इनोसेंटली वो पिक्चर शेयर्स कर देते हैं उसका मिस होने लगता है एक सेक्सुअल एक्सपोटेशन काफ़ी देखा गया है उसमें कंडीशन बिगड़ते जाती है तो जी पेपर थ्री साइबर क्राइम इस सब से रिलेटेड भी आ सकता है जी पेपर टू में जो सोशल जस्टिस का पार्ट है आपका वहाँ पर भी आ सकता है इंडिया मालदीव के रिलेशन में देखेंगे इंडिया ये इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस था वहां पे इंडिया श्रीलंका मालदीव और भी देशों के कंट्रीज थे वहां द फ्रंट पेज फ्रंट पेज पे कुछ खास नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है इलेक्शन में नवाज शरीफ और बिलाल भुट्टो की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो इस समय पावर में है मतलब वो मिल के गवर्नमेंट बना सकते हैं क्योंकि मिलिट्री का सपोर्ट है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री है तो डिस्पाइट उनके पार्टी को बैन कर दिया गया उन्होंने जिन कैंडिडेट को सपोर्ट किया था 102 कैंडिडेट को जीते हैं कई जगहों पे अभी डिक्लेयर नहीं किया है काफ़ी इनस्टेबिलिटी है ये जाने कि वहाँ की जो वहाँ का नेशनल असेंबली है वो टोटल नंबर ऑफ सीट दो है 102 तो वो जीत गए मेजोरिटी चाहिए होता है 133 का ये लोग बोल रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी बोले है कि हम तो 150 जीत गए होते अगर सही सही रिजल्ट होता तो और इनको कितना वोट मिला है ये नवाज शरीफ को सेवेंटी और ये बिलाल भुट्टो है उनको फिफ्टी फोर अभी मिला के भी ये लोग एक सौ तैतीस नहीं बना पा रहे हैं एक सौ सत्ताइस वन ट्वेंटी सेवन ही जा रहा है वन थर्टी थ्री चाहिए तो ये है कोई इम्पोर्टेंट खास नहीं है बस अवेयरनेस के लिए आप जान जाइए फिर यहाँ देखिए पार्लियामेंट में अपना रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जो 17 लोकसभा है वो हिस्टोरिक है क्योंकि राम टेंपल हमने वो करा सब कुछ जस्टिफाइड था एक भारत श्रेष्ठ भारत है सारी कम्युनिटी वहाँ पे थी और यस यूनिटी का प्रतीक है वहाँ पे यस आप लोगों ने भी देखा होगा सारी वहाँ पे कम्युनिटी थी नॉट जस्ट वन community. सो दिस इज all अबाउट इन द फ्रंट पेज और ये कन्नड़ा में स्पेलिंग मिस्टेक है इन्होंने कहा है कि बेंगलुरु में कन्नड़ एरिया में कन्नड़ में लिखे 60 परसेंट यूज कीजिए तो ये लोग बदल रहे हैं तो बदलने में काफी मिस्टेक हो रहा है तो ये का भी सरप्राइज है कैसा भी होता है क्या नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज जो है ये फ्रंट पेज पर ये भी कोई खास इसका वो नहीं है ये अपने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो अभी तो आप जॉब कर नहीं रहे आई एस बनिएगा तब आपको पैसे मिलेंगे तब आप देखिएगा अभी जिसको मिल रहा उसको बता दीजिए आप लोग ठीक है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज जो है इनको इनका कल डिमाइज हुआ वेरी सैड ये आ, एक पेंटर थे बिलोंग फ्रॉम द केरला इनकी क्या खासियत थी जो सबसे ज्यादा इनकी खासियत थी वो थी कि ये जो भी पिक्चर बनाते हैं पेंटिंग करते हैं उसमें ट्रीज वुमेन एंड पॉट जरूर रहता है और पॉट में वो अपना पिक्चर दिखाते हैं किस रूप में इंसेक्ट का भी अपने आप को बना दिया बर्ड बना दिया या बैट बना दिया ये इनकी खासियत नहीं है दूसरी चीज़ है कि इनको राजस्थान का जो भील हेलमेट है भील ट्राइव है उन लोगों का घर तालाब के किनारे जो होता है एंड एक पॉन्ड एंड ऑब ओबेश्वर ओबेश्वर एक जगह है उदयपुर में यहाँ शिव टेम्पल है तो इस एरिया का जो वो सीनिक ब्यूटी है उसको ये बहुत लाइक करते हैं वो डिपिक्ट करते हैं फिर इन्होंने बोला कि नंदलाल बोस एंड बेनोड बिहारी मुखर्जी इनकी इंस्पिरेशन रहे नंदलाल बोस को प्लीज आप लोग कंसीडर कीजिएगा क्योंकि वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसको इन्होंने अपना आर्टवर्क इन्होंने किया था दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए रेलिवेंट है देखो ये सब पॉलिटिकल पॉलिटिकल कोई काम का कोई काम का नहीं नहीं यस यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा जो 17 लोकसभा में था क्यों इम्पोर्टेंट था सबसे बड़ी को एकदम सब कुछ इन्होंने बदल दिया जम्मू एंड कश्मीर का जो इनका एब्रोगेशन ऑफ थ्री सेवेंटी था एवरी थिंग सॉल्व इन द जम्मू एंड कश्मीर बाई दिस एज पर देर क्लेम मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ मैरिज बिल 2019 किया इसे ट्रिपल टाला को बैन किया यस दिस इज द अचीवमेंट यस रियली दिस इज प्रोग्रेसिव या यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने तीन लॉ लाए हैं ipc को हटा के हमने न्याय संहिता लाया भारतीय तो सब में लगा है न्याय संहिता एक में है एक में जा एविडेंस है उसको साक्ष्य हो गया ये तो आपको याद हो जाएगा तीसरा जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसको कर दिया है नागरिक सुरक्षा संहिता संहिता और भारतीय तीनों में है तो प्लीज रिमेम्बर और हिस्टोरिक क्यों था क्योंकि 146 अपोजिशन लीडर को कर दिया था सस्पेंड सच्चे हिस्टोरिक ठीक है और इन्होंने यहाँ पे बोला था कि कूद गए थे बाल्कनी में उसमें जो इनका मेन है गैलरी से दो लोग और उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीज था काफी पहली बार ऐसा हुआ है इनसाइड इन हुआ अटैक वहां से ही रोक लिया गया था जो 2001 में पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था टेररिस्ट अटैक हुआ था राहुल गांधी को डिसक्वालीफाई कर दिया था ये डिसक्शन इन टू द डिफेमेशन केस तो डिफेमेशन केस आर्टिकल 19 के अंडर में बहुत इम्पोर्टेंट है प्लीज देख लीजिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए रेलिवेंट है यूपीएससी के लिए यस yes, ये है हेरिटेज स्पेस इन द लखनऊ नॉट बिंग हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया डायरेक्ट किया कि भाई इसको ध्यान रखिए फिर भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां पे इंक्रोचमेंट काफ़ी है आसपास में और कई कंडीशन में तो लोग इसके अंदर रह रहे हैं जैसे इन्होंने कहा कि बड़ा इमाम बाड़ा है वो एटीन सेंचुरी में बनाया था किसने बनाया था असफ उदौला ने बनाया था क्योंकि उस समय फैमाइन आया था तो इम्प्लॉयमेंट देने के लिए उस समय यही सबसे अच्छा तरीका था कि बड़ा सा बिल्डिंग बनवाइए लाखों लोगों को लगा दीजिए और वो मतलब जॉब भी मिल जाता था जो वहाँ के राजा और नवाब होते थे उनको एक तरीके से उनका नाम भी हो जाता था उनकी हिस्ट्री भी बन जाती थी ये था तो इसके अंदर में बड़ा इमाम बारा में लोग रह रहे हैं आजकल ये हाल है बड़ा इमाम बारा जब आता है तो दो चीज याद रखेगा असफी मॉस्क है उसके अंदर और भूल भुलैया है तो कभी जाइएगा तो भूल भुलैया में घूम के आइएगा दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज दैट की जो मोन्यूमेंट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं उसके किस एक्ट में आता है एंसियंट मॉनूमेंट्स एंड आर्क्योलॉजिकल साइट रिमेंस एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सेवन और इसके अंडर में पावर जो रिकॉगनीशन का है और जो मेंटेनेंस का है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है जिसको याद रखेगा द प्लेस ऑफ वर्थिप एक्ट जो नाइनटीन नाइनटी वन का है वो सिर्फ कन्वर्जन को लेकर है वो मेन्टेनेंस को लेके नहीं है तो वो सिर्फ बचाने के लेके है कि कोई अटैक ना हो डिमांड ना आए लेकिन सारा देख रेख मॉनूमेंट्स का यहाँ से होता है और इसमें रिलीजियस उतना मैटर नहीं करता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है सी एस आई आर का जो एन ए आशनल एरो स्पेस लेबोरेटरीज है उन्होंने हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट बनाया सैटेलाइट क्योंकि ये है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लेकिन काम करेगा सैटेलाइट का ठीक है ना तो और इसकी खासियत ये है कि इसका जो डिस्टेंस होगा जो रेंज होगा 23 किलोमीटर है 90 डे तक वो करेगा उसके बाद फिर उसका डिसफंक्शन होगा ऐसे अभी है ठीक है ये इसमें सब कुछ ड्रोन का है बस इसमें यह है कि टू बी द स्ट्रेटो स्पेयर ये जो होगा स्टेटो स्पेयर में, में होगा जनरली ड्रेन को ड्रोन को हम टोपो स्पेयर में करते हैं ये स्ट्रेटो स्पेयर में होगा जहाँ पे कॉमर्शियल प्लेन उड़ते हैं उससे भी थोड़े ऊंचाई पे ये उड़ेगा और इसके अंदर बैटरी ही मेन है ठीक है बैटरी सिस्टम है तभी तो अपने आप को सस्टेन करेगा नाइन्टी डेज इसका यूज क्या है सर्विलेंस में यूज होगा एंड बीमिंग फाइव जी वेव्स दिस इज इम्पॉर्टेंट तो किलोमीटर के रेंज में भेजने का है लेकिन अभी जो कैपेसिटी इन्होंने पहुंचा है वो है तीन किलोमीटर और एट आवर्स तो दिस इज वेरी लो स्टिल चांसेस टू इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज जो क्रिटिसिजम है गवर्नमेंट का ए, रोमिला थापर है और गीता हरिहरन है ये लोग They are the they from इनका ये कहना है कि जो अभी की गवर्नमेंट है उन्होंने फेडरलिज्म का जो है उसको एकदम ब्रेक किया हुआ है अटैक है ठीक है इन्होंने बोला है कि फेडरलिज्मिटी ऑफ स्टेट एंड स्टेट राइट्स काफी वायलेशन है जैसे इन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो वहाँ पे ऐसे केस में क्या होता है कि जो प्रियोरिटीज एरिया स्टेट की होती है या गांव की होती है अंडर पीआरआई वो दब जाती है नेशनल इशू में कि जैसे अब चाइना से बात की होगी मोदी जी आके बोलेंगे तो आपको लगेगा यस दिस इज इंपोर्टेंट हमारा गांव का तो रोड बाद में बन जाएगा अटैक ना हो जाए तो कहीं ना कहीं अलग अलग इलेक्शन से इसका भी इम्पेक्ट होता है कि आप रीजनल जब रीजनल होता है तो आप कहते हैं भाई आपने गाँव ये तालाब खुदवाया था कहाँ है गायब है कुआ नहीं खुदवाया नल नहीं चल रहा है ये सब इश्यू आता है लेकिन आजकल देखिएगा आजकल हर इशू में एक ही है नेशनल इशू ही है कि भारत पाकिस्तान ये और एकदम नेशनल लेवल पे राम टेंपल एंड 370 अब वो गांव के लोग को उससे क्या लेना है कि वहां पे क्या एब्रोगेट किया है किससे क्या है वो तो ऑलरेडी यूनियन के हाथ में है लेकिन फिर भी जब इलेक्शन लोकल लेवल पे होता है तो मुद्दा वहां का होता है दिस हैज बिकम ए बिट डिसफंक्शनल इन दैट ये लोग क्रिटिसाइज किए ये मेरे वर्ड नहीं है ठीक है इन्होंने बोला है कि इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज है उनका यूज मिस यूज हो रहा है गवर्नमेंट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है अपोजिशन पार्टी है उनको हैरास करने में उनको उनके खिलाफ जैसे होता है कि वीकेंड करने में गवर्नर जो ऑफिस ऑफ द गवर्नर है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जब सरकारी कमीशन की बात करते हैं या पुंछी कमीशन की बात करते हैं सबने इसके लिए बोला है कि गवर्नर को ए पॉलिटिकल होना चाहिए लेकिन उल्टा आजकल हो गया आजकल गवर्नर और अदर सच पोस्ट हैव बिकम वेरी एक्टिव तो प्लीज़ ये लिखिएगा सरकारी कमीशन की बात कीजिएगा जब भी ये बातें आएंगी फिर उन्होंने कहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर को डाउनग्रेड किया है अभी तक हम पहला केस है कि जिसमें स्टेट को हटा के यूनियन टेरिटरीज बना दिया नॉर्मली क्या होता था कि पहले एक पार्ट को निकालते थे यूटी बनाते थे फिर स्टेट बना देते थे आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट को देखिएगा और अरुणाचल राच, प्रदेश हुआ नागालैंड हुआ ऐसे ही करा था ठीक है लेकिन अभी ये पहला केस है कि उसके पावर को छीन के हटा क्योंकि स्टेट लिस्ट में ज़्यादा पावर होता है यूटी तो डायरेक्ट यूनियन के अंडर में आ जाता है तो दिस इज अबाउट इन्होंने बलवीर अरोड़ा का एक कोट है यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जब स्टार्टिंग में ये गवर्नमेंट आई थी तो आई वाज थिंकिंग दैट डिस्टेंट दिस डिस्टेंट गोल फॉर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो जाएगा लेकिन अब लग रहा है कि इम्पॉसिबल ड्रीम हो गया ये अभी एसेमेटिकल फेडरलिज्म है तो एसेमेटिकल का मतलब समझ है ना कि जो पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और डिफरेंट स्टेट्स है जो सपोर्टिंग गवर्नमेंट है जो खुद की पार्टी की है और जो वो है तो ये काफ़ी ऐसा केस है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज ये रोड टू द दिवेन है आप भी कभी जाइएगा धोला जब आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन तो धोलावीरा इज वन ऑफ द लोकेशन वन ऑफ द सिटी जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रॉस्पर किया था काफी इंपॉर्टेंट है अभी मैं एनसीआरटी में दिखाऊंगा यहाँ पे आपको रिजर्वायर मिला है काफी कुछ मिला है यू विल सी ये है एक शानदार सीनरी यही है ये यह डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा क्योंकि आगे पीछे कुछ दिख ही नहीं जाए ये बीच है एकदम देखिएगा एकदम ब्यूटी है इसी का नाम इन्होंने रखा है कि रोड टू द रोड टू द दिवन ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट की क्या क्या खासियत है पहली बात की यहाँ पे बोर्ड सेंचुरी है ग्रेटर बोर्ड ग्रेटर इंडियन बोस्टोर्ड सेंचुरी ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये क्रिटिकली इन डेंजर्ड है प्लीज रिमेंबर दैट इट इज क्रिटिकली इन डेंजर्ड दूसरी चीज क्या है यहाँ पे द कच डेजोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी है और ये जो इंडिया का है लार्जेस्ट साइज है जो साइज जो है इंडिया का वो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी है इसकी जो साइज है यहां पर मैंने बोला था ये क्रिटिकली इन डेंजर्ड है क्रिटिकली क्रिटिकली इंड ठीक है और यहाँ पर ट्राइबल जो होते हैं हैदराबादी ट्राइब एंड द मेघवाल ट्राइब इनको याद रखिएगा इस जो डिस्ट्रिक्ट में है एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो धोलावीरा है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम आता है तो प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस इज ऑल अबाउट एक बार और सीन देखिए ये देखिए सिनिक वेट जो अंदर की है प्लीज़ ऐसा आपको जानना पड़ेगा ऐसे पिक्चर में ही आप देख लेंगे लेशल फ्लैमेंगोज यहाँ पे कॉमन है तो यस ये है कच्छ में अगर कभी आए दिखे यहाँ पे प्री वेडिंग शूटिंग भी बढ़िया होती है कभी कराना हो तो यस आप जा सकते हैं ये वहाँ का सामे कच्छ है खूबसूरत ढलता हुआ सूरज ठीक है दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो उत्तराखंड में यू से उत्तराखंड का स्टार्ट होता है यू सी सी सी. उत्तराखंड यूसीसी जो उन्होंने लाया है पहली बात याद रखिएगा कि पहला स्टेट है जिसने लेजिस्लेचर लेके आया है एक एक्ट लेके आया है यूसीसी पे लेकिन ऐसा नहीं है कि पहला स्टेट है जिसमें यूसीसी लगा है इसको ध्यान में रखिएगा यूसीसी पहला जो है वो गोवा में ऑलरेडी है लेकिन पहली बार जो किसी स्टेट ने लॉ बना के लाया है आज़ादी के बाद वो ये है क्योंकि जो गोवा वाला है गोवा ने पहले ही यस yes, जो गोवा है गोवा, गोवा गोवा में जो 1867 से ही जो पुर्तगीज कोड था सिविल कोड वो है और 1961 में जब इन्होंने पुर्तगीज से आजादी मिली तो इन्होंने कंटिन्यू रखा कब आ गए थे पुर्तगीज गोवा में 1505 से तो देखिएगा ये नियर अबाउट चार साल का डिफरेंस है इतने दिन पुर्तगीज ने हम पे रूल किया है सबसे ज्यादा इंडिया में अगर रूल है तो पुर्तगीज का है ब्रिटिश का नहीं है प्लीज याद रखिएगा तो ये याद रखना है फिर आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल 44 है वो बोलता है कि every state, state should consider to bring a, 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 a uniform person, uh, personalized law so that it could be implemented across the all religion and the people आज़ादी के बाद से ही हमारा एफर्ट था पहले हिंदू कोट बिल लाने की कोशिश किया देखा कि पहले मेजोरिटी पे चेक कर लेते हैं अब वो उनको पहले प्रोग्रेसिव बना देते हैं तो धीरे धीरे उसको देख के जो माइनॉरिटी है वो भी कहेंगे कि अरे इससे फायदा है क्योंकि वुमेंस की राइट की बात हो रही थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ लॉ की बात हो रही थी जो तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया लीडरशिप नहीं हो पाई तो केवल हिंदू कोट बिल आया था हिंदू कोट बिल का भी बहुत विरोध हुआ था उस समय नेहरू जी को इलेक्शन लड़ना पड़ा था इसी मुद्दे पे तो उसके बाद आया था तो डीपीएसपी क्या होता है डीपीएसपी क्या होता है कि एक ये प्रोविजन इसलिए दिया गया है कि कभी भी स्टेट कोई लॉ बनाए ना तो इसको ध्यान में रखे कि ये हमें कभी ना कभी लाना है जब सिचुएशन हो जब कभी पैसे हो या कभी सोशल ऐसा माहौल हो तो ये है तो इसीलिए ये जैसे उस तरीके का है कि कोई दादा दादी हो और उनको अपने बच्चे पोतों के बारे में और कुछ देने का इच्छा ऊपर पैसे नहीं हो तो क्या करेंगे एक किताब उठाएंगे कॉपी पे लिख देंगे कि यस मैंने अपने जैसे बेटे को तो जो देना होगा दे देंगे कि ये अंगूठी ले लो या जमीन ले लो या कुछ पैसे हैं बच्चे हैं वो ले लो जो भी है वो दे देंगे लेकिन अगर उनको बहुत बड़ी बड़ी इच्छा है कि आप जैसे उसको मसडीज भी देना हो उसको बंगला देना हो ठीक है सब कुछ देना हो लेकिन है नहीं तो वो लिख देंगे ये ये देना चाहता था दे नहीं पाया वो बाद में कभी होए तो पोते वोते को दे देना वही डीपीएसपी है डीपीएसपी पी नॉन इन्फोर्सिएबल है जैसे इसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते फंडामेंटल राइट्स को और इसमें यही डिफरेंस है इसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट को कोर्ट में लेके जा सकते हैं है। क्योंकि वो जस्टिसबल है इन्फोर्सिएबल है नॉन इन्फोर्सिएबल का मतलब आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं तो दिस इज नॉन ये नॉट इनफोर्सिएबल ये जो तो 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 यू सी है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो किस किस एरिया में लॉ बना के लेके आए मैरिज डाइवोर्स इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी एंड लिव इन रिलेशनशिप ये तो काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया लिव इन रिलेशनशिप में एक अच्छी बात क्या है कि जो चिल्डे को बोला है कि ये लेजिटिमाइज है काफी अच्छा है लेकिन क्रिटिसिजम किसका आ रहा है क्योंकि इन उन्होंने जो बोला कि आप रजिस्ट्री कराइए एक महीना का समय दिया है फिर उसके बाद सजा दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टेट आपके लाइफ में इंटर कर रहा है दिस इज दिस इज बेंग डिस राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है क्योंकि स्टेट घर के अंदर में घुस के जब तक कि कुछ क्राइम नहीं हो रहा, cannot do, cannot dictate, जैसे वो कह सकते हैं कि किस कलर का मैं अपना बेड का कलर रखू किस कलर का कौन से कंपनी का ए सी उसके लिए विकल्प हो जाएगा कि आप ए कौन लगा के लेना चलते हैं एक बार आइए हमसे परमिशन लेके जाइए और आपको पता है जब भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं बहुत आप रेयर केस में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है वहां पे जाके जो वहां पे पावर का मिस यूज करेगा पैसे मांगेगा उसको पता है कि इस पे फाइनल लगा देंगे तो दैट्स वाई इट्स बिकम दैट की स्ट्रेट को बाहर ही रखना होता है ये नहीं कि, कि कल को वो कहें कि अच्छा आपके घर में शादी है बच्चे की शादी किससे कर रहे हैं एक बार देख ले हम भी अब स्ट्रीट डिसाइड करेगा पर्सनल लाइफ में स्ट्रीट ना है तो बेहतर होता है राइट टू प्राइवेसी बनी रहती है इसमें क्या है कि हरासमेंट हो जाएगा और ऐसे केस में इन्होंने जेल का भी प्रोविजन रखा है ऑफ द थ्री मंथ्स एंड फाइन दस हजार पच्चीस हजार तक ले जाएंगे अगर नोटिस किया फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सिक्स मंथ का सिक्स मंथ का भी इन्होंने बोल के रखा है दिस इज ऑल अबाउट ओके फिर इन्होंने जो एक चीज एक्सेप्शन है सारे लोगों पे नहीं है ट्राइबल पॉपुलेशन को अलग रखा है ट्राइबल पॉपुलेशन का आर्टिकल 366 में डिफाइन किया गया है और आर्टिकल 160 142 है वो रिलेटेड है कि जो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है उसको डिक्री जो देता है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो एक्शन लेता है वो आता है इसके अंडर में ये एक्ट बाई गेमीमी गेमी का मतलब होता है दो शादी पोलिगेमी का मतलब बहुत सी शादियाँ ये करने से मना करता है कि अगर आप शादीशुदा हैं आप शादी नहीं कर सकते हैं ठीक है और अगर करते हैं तो यू विल हैव द पनिशमेंट ऐसा है ठीक है मैरिज एज तो सेम रखा है अठारह और इक्कीस दिस इज डू मैरिज हैव टू रजिस्टर्ड येस मैरिज को 60 डेज के अंडर में होना चाहिए जो अब एक्ट आने के बाद अभी आपका जिसका हो चुका है ठीक है अगर लेकिन जिसका नहीं हुआ है अभी तक अब एक्ट आ जाएगा उसके बाद आपको करवाना पड़ेगा नहीं तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा दस हजार तक का और अगर फिर भी नहीं करे तो तीन हजार तक तीन महीने की जेल और पच्चीस हज़ार तो आप इससे अच्छा कि रजिस्टर करवाइए एंड यू शुड स्पेंड दिस मनी ऑन योर हनीमून इंस्टेड ऑफ़ फ़ाइन देने के अच्छा उसमें जेल में क्यों बिताए ठीक कहीं घूम के आइए सिक्स मंथ व्हाट अबाउट द डाइवोर्स प्रोसीडिंग डाइवोर्स प्रोसीडिंग क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप आपस में ही डाइवोर्स कर ले आपको कोर्ट में जाके इसको करना है खुद बिना कोर्ट uh, को बताए यू कैन नॉट डू अगर ऐसा करते हैं तो वहां पे भी यू हैव द पनिशमेंट उसमें भी है ठीक है और अगर और क्या कंडीशन है कि जैसे दो हैं पति पत्नी उसमें से एक ने रिलीजन कन्वर्ट कर दिया और दूसरे को के बिना सहमति से तो दूसरा जो इस्पाउज है वो डाइवोर्स ले सकता है ठीक है ना लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीजन कन्वर्जन से उसको ब्रेक डाउन हो जाएगा जब तक दूसरा क्लेम नहीं करेगा तब तक नहीं होगा ठीक है uh, it's the initiation of divorce ऑफ unless one year is kept. शादी के तुरंत बात नहीं हो सकता एक साल तक वेट करना पड़ेगा अगर लेकिन एक्सेप्शनल केस है बहुत हार्डशिप है जैसे कि हस्बैंड रेप के केस में या किसी अन सेक्स के केस में अगर उस पर गिल्टी पाया गया तो उस केस में तुरंत हो जाएगा ठीक है ना ये आप याद रखिएगा इनहेरिटेंस राइट क्या है इनहेरिटेंस राइट right, कोपोदेनरी सिस्टम जो था कोपो सैनरी सिस्टम में ऐसा होता था कि जो मेल चाइल्ड होगा नेक्स्ट जनरेशन का उससे फिर ग्रेंड ग्रैंड चाइल्ड को ऐसे सक्सेशन uh, होता था तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है चेंज करके बोला है कि जो सक्सेशन होगा पाउच का भी हिस्सा होगा चिल्ड्रेन का भी होगा पेरेंट्स का भी होगा हम देखते थे पेरेंट्स की हालत काफ़ी खराब थी तो ये काफ़ी अच्छा इसमें चेंज है ओके दिस इज गुड

वो अच्छा नहीं लग रहा है पहले ही सही था फिर सोचे कि फिर से शादी कर लें तो ऐसे कंडीशन में निकाह हलाला परमिट नहीं करता वो कहता कि आप जाइए वुमेन को बट ये भी देखिए कितना डिस्क्रिमिनेटरी वुमेन से कहेगा कि, कि किसी तीसरे से शादी कीजिए उसके बाद फिर उससे डाइवोर्स आके तब आप इनसे कीजिएगा वापस तो कितना ह्यूमिलिएटिंग है तो इसको कहा है कि ये सजा हो सकती है तीन साल का और यहाँ तक कि एक लाख का फाइन भी लग सकता है फिर इदात क्या होता है इदात होता है कि डाइवोर्स के बाद कुछ दिन का पीरियड होता है वेटिंग पीरियड तुरंत नहीं शादी कर सकती लड़की के लिए सिर्फ है के लिए तो वो वेट करना पड़ता है नॉर्मली ये तीन महीने होते हैं नब्बे दिन नहीं तो जैसे नॉर्मल कंडीशन में डाइवोर्स है तो नब्बे दिन लेकिन कहीं पे अगर डेथ हुआ है हस्बैंड का तो 120 दिन है चार महीने है तो इसको भी इंड कर दिया कहा कि नहीं नहीं ऐसा वेटिंग पीरियड कुछ नहीं है डाइवोर्स मिला उसके बाद जब चाहे अगले दिन ही शादी कर ले डाइवोर्स इधर दिया उधर जाके साइन कर दिया अगले ही मिनट इतना तक है को yes, यस पे क्रिटिसाइज हुआ है कि राइट टू प्राइवेसी का जो है फंडामेंटल राइट्स है इसको वायलेट किया है अब देखिए मध्य प्रदेश गुजरात भी कह रहे हैं कि हम भी अब आ, हम भी लाएंगे ठीक है तो देखते हैं क्या होता है इलेक्शन के पहले मुझे लग रहा है ये भी आना ही चाहिए और जब भी केस आए राइट टू प्राइवेसी अभी पुट्टा स्वामी केस आया था तो प्लीज याद रखिएगा पुट्टा पुट्टा स्वामी स्वामी केस इसने बोला था इन इसी में बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो चाइल्ड का चाइल्ड uh, का सेफ्टी का इश्यू है इन द ऑनलाइन इन ऑनलाइन मोड ऑफ दिस यूज ऑफ दिस ऑनलाइन गेम्स एंड ऑटो स्वच्छ एक्टिविटी वहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उनका एक्सपोजर भी बढ़ रहा है उनका जो मेंटल स्ट्रेस है बहुत डीप हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो एकदम आप वर्चुअल को रियल बना दे रही है आप यू कैन फील इनसाइड द कंप्यूटर आप रियल जिंदगी से अंदर घुस के आप कंप्यूटर वाली वर्चुअल लाइफ में हो जाएंगे इस पर इन्होंने जो मेटा के सीईओ ओ जूकर वर्क है उन्होंने बोला कि अभी कॉन्ग्रेशनल हियरिंग हो रहा था उसमें काफी दुख व्यक्त किया है कि यस हम लोगों ने जो सुरक्षा देना चाहिए था नहीं करा जिससे उन्होंने बोला कि मेटा वर्स है एंड एक्सटेंडेड रियलिटी है ये सिचुएशन को करें जैसे नहीं होता है कि आप एकदम रियलिटी को फेस करेंगे आप उधर बात करें आप देखेंगे यस उसी इन्वायरमेंट में आप देखेंगे यस दिस इज द आई एम इन द स्पेस वो आपको फीलिंग आने लगेगा यस मैं उड़ रहा हूँ तो सच टाइप ऑफ कमिंग इन सच केस इफ देयर इज द मिसयूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वहां पे किसी ने आपसे बहला फुसला के आपका पिक्चर मांगा बाद में उसका uh, क्रॉप किया कुछ भी किया

मेनी टाइम्स तो ऐसे में बायोलॉजिकल जो एडोलेशन की चेंज हो रही होती है उसमें वो होता है कि देखिए क्या है वो क्या करते हैं एडल्ट बन के एंट्री मारते हैं और बाद में एक्सपोजर होते हैं तो ये कहीं कही ना कहीं उनका मेंटल जो है वो कहीं कही ना कहीं उनके लिए निगेटिव होता है उस समय मेच्योरिटी नहीं होती है उस चीजों को सिचुएशन करने का और ऐसे केस में दे आर नॉट एबल टू हैंडल दिस थिंग चिल्ड्रूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी पाया गया है कि द इंसिडेंट ऑफ द चाइल्ड अब्यूज जो इमेज है उसका उन्होंने ढूंढा है

जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है वो आसानी से हो सकती है डिसेबल्ड को भी काफ़ी है जैसे कोई ब्लाइंड है तो वो बोल के अपना टेक्स बना देगा फिर उसको ऑडियो सुन के कर सकता है ऐसा हम एआई का यूज कर सकते हैं एआई का यहाँ तक म्यूजिक और अदर स्टोरीज लिखने में काफ़ी कुछ वो हेल्प कर रहा है ओके सो दिस जनरेटिव आई हैज़ बिन हैज़ बिन सोन इन द इंस्टेंटली क्रिएट द टैक्स बेस्ड द डिसंफॉर्मेशन यहाँ पे मिस बताया कि डिस जैसे वो एकदम टैक्स ऐसा लगेगा कि वो असली वाला है लेकिन वो असली नहीं रहेगा ऐसे ही इमेज है वॉयस है वो सब कुछ रियलिटी में वो करके आपको दिखा देंगे लेकिन वो रियल नहीं रहेगा ठीक है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पे जाता है ये किस पे जाएगा कि ये हम सेफ्टी लाए टेक् कंपनीज पे ही जाता है कि वो सेफ्टी मेजर रखें दूसरी बात उन्होंने बोला है कि यूनिसेफ का एक कन्वेंशन है उन्होंने बोला है कि द दैक कंपनी स्टैंडर्ड टू द चिल्ड्रेटा और बाद में इन्होंने लास्ट में बोला कि गवर्नमेंट का भी है कि उस वो भी एस करे जो रेगुलेटरी प्रोविजन है उसको एडजस्ट करे उस हिसाब से और कंटिन्यूसली चेंज एज पर द चेंज इन द टेक्नोलॉजी होती रहे ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन uh, है तो इसका जीएस पेपर थ्री में भी यूज कर सकते हैं टू में भी यूज कर सकते हैं जब आप बलनेबल सेक्शन चाइल्ड की बात करें तो ये सब आप लिख सकते हैं एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उनको बचाने के लिए एक है कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट टू तो इसका यूज कीजिएगा कभी भी आप आंसर लिख दें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज़ जो है जो अभी हमने अमेंड किया है वाटर एक्ट को तो वाटर एक्ट ऑलरेडी हमारे पास है नाइनटीन तो आपको याद है ना जो पहला एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आया था कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पहला उसके बाद हमने दूसरा वाटर जैसे धीरे धीरे आ रहा था ना पहले लगा कि जानवर ही आ, आ, टोटल इन्वामेंट है जो हम वो है तो हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था उन्नीस में फिर लगा नहीं वाटर भी है पानी पीते थे उस समय तो लगा कि वाटर ही है वाटर है तो वाटर वाले को कब लेके आए वाटर वाटर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में फिर लगा नहीं नहीं वाटर की जगह पे हवा भी तो है एयर को भी करना तब गैस का नहीं था धीरे धीरे लगा दे नहीं सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो एयर वाला कब आया 1981 में आया फिर लगा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये जंगल जो है जो इन्वायरमेंट है सब कुछ दिख रहा है वो सब भी है ठीक है तो उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था तो ये सब थोड़ा एक, एक देख लीजिएगा कि कैसे ये प्रोसीड कर रहा है तो प्लीज़ रिमेंबर दैट ये माइंड में रखिएगा क्या चेंज किया इन्होंने कहा कि पहले माइनर माइनर चीज़ों पे हम वो सजा दे देते थे, थे तो वो अब नहीं देंगे दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि पहले जो था वाटर कंट्रोल जो है इट इज विद अ व्यू टू द मेंटेन ए हाई रिस्टोरिंग होलनेस ऑफ द वाटर बॉडीज वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया है कि आप गाइडलाइन बताइएगा और स्टेट लेवल पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा फाइलिंग ऑफ द केसेज एंड जो भी एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि ये जो है वो स्टेट का है स्टेट का ही एरिया है तो सेंटर नहीं आ सकता सेंटर तभी आएगा जब दो या उससे अधिक स्टेट उसको कहें कि आप हमारे एरिया में एक्ट बनाइए तो हिमाचल और अभी राजस्थान ने बोला है तो इसीलिए ये एक्ट इन दोनों में होगा यूनियन टेरिटरीज होगा लेकिन बाकी अपना स्टेट बना सकते हैं तो और ये आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा चेंज क्या है कि मायनूट जो थे जिसपे छोटे छोटे पे आप सजा दे देते दे थे, थे उसको हटा के फाइन लाया गया है यहाँ पे है कि यस कहा गया

नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे लिए है ये अभी है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से है यहाँ पर जो यूक्रेन के कमांडर इन चीफ थे इनको हटा दिया गया ये काफ़ी अच्छा फाइट कर रहे थे अब पता नहीं क्या उनके बीच उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं प्रेसिडेंट जलन्स की उनसे इनका कुछ थोड़ा सा समथिंग डिफरेंसेस हो गया पहले ये उनकी बड़ाई करते थे अभी बोला कि नहीं आप पहले रिजाइन दे दीजिए नहीं तो मैं डिसमिस करूंगा इन्होंने रिजाइन देने से मना किया तो उन्होंने डिसमिस ही कर दिया है ठीक है फिर इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है हमने देखा ही है कि अवार्ड मिला है जो ग्रैमी अवार्ड है सिक्सटी सिक्स ग्रह्मी अवार्ड वो इन लोगों को मिला है जाकिर हुसैन है शंकर महादेवन है गणेश राजा गोपालन है और सिलवा गणेश है और एक हरी प्रसाद चौरसिया के जो बच्चे हैं उनको दिया गया है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो ये है थोड़ा सा आपको बेसिक साइंस के बारे में जानना चाहिए व्हाट इज दिस सीपीआर पी कार्डी कार्डियो पलमनरी रिससिटेशन क्या होता है जब आ, कभी भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको सीने पे हमें रख के कुछ प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है दैट इज इंपॉर्टेंट तो ये देख लेते हैं एक बार कैसे होता है थोड़ा सा आई विल शो यू कभी आपके भी काम आ सकता है जब भी आप ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है तो ये एक पूरा ड्यूरेशन होता है कि आप स्टार्ट कैसे करते हैं फिर धीरे धीरे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं फिर धीरे धीरे वो कंटिन्यू आप एक डेढ़ मिनट तक का ऐसा करते रहते हैं क्योंकि अगर ऐसा आप तुरंत देते हैं तो बचने के चांस ज़्यादा होते हैं थोड़ा सा भी आधा घंटा चालीस मिनट लेट हो जाता है तो वो पच्चीस जो बचने का चांस होता है उससे कम होकर एक पे आ जाता है तो दिस दिस यू यू नो लर्न इज अबाउट देखिए ये तेजी से आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो दिस इज ऑल अबाउट विद दीपीआर कार्डियो पलमरी रिसन ओके नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है जो अभी हमने सोचा है कि वेदर फॉरकास्टिंग है उसको और इम्प्रूव करते हैं उसके लिए हमने बनाया है कि विंस वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम ये किसके अंडर में होगा दो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर तो ये क्या करेंगे दे विल जनरेट द लॉन्ग टर्म हाइपोलोकल एंड वेदर डेटा छोटे छोटे शहरों से भी डेटा लाएंगे और उसको कोलेबोरेट करके वो देंगे अभी जो कंडीशन है क्या यूज होता है फॉरकास्टिंग क्योंकि अगर प्रिडिक्शन एक्यूरेट है तो जो हाई रेनफॉल है साइक्लोन है हीट वेव है ड्रॉट है इन सभी को हम इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं कब आने वाला है कैसे आने वाला है उसी अनुसार हम तैयारी कर सकते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो होता है वेदर फॉर फॉरकास्टिंग होता है वो ये बिट डिफिकल्ट होता है क्योंकि वेरिएबिलिटी बहुत होती है इसको जो क्या क्या टूल यूज होते हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वो होते हैं फिर ऑटोमेटिक रेन गॉज होता है फिर ड्रॉपलर वेदर द होता है तो प्लीज याद रखिएगा इस सब का यूज होता है, है अगर इनको ये मेंशन करके पूछ ले तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी क्या हमने कहा है कि अब हमने कहा है कि ये सब सिर्फ अभी कितने पंद्रह सौ हैं Uh, सातीस ड्रॉपलर वेदर डार है लेकिन पंद्रह सौ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड ये रेन गेज है ऑटोमेटिक रेन गेज वो हमें तीन लाख चाहिए और है कितना मुश्किल से दो हज़ार तो सोचिए कितना डिफरेंस है ड्रॉपलर तो फिर भी ठीक है सैंतीस चाहिए सत्तर सत्तर चाहिए uh, सैंतीस है तो यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं जा रहे हैं हम लोग जो ये ऑटोमेटिक uh, वेदर स्टेशन एंड ऑटोमेटिक रेन गेज हैं इनको हम दो लाख करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंडर में फिर हम सोच रहे हैं कि जो और भी इस्टेसंस हैं वहाँ पे भी हम प्रोवाइड करें एआई मॉडल का यूज करें और uh, ये सब जितने भी एयर क्वालिटी के हैं जैसे कि अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि दिल्ली में जो दिल्ली एंड एन सी आर में जो जीरो अवेजिबिलिटी हो गई थी उसका एक और इम्पैक्ट होता है कि पल्यूट

नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रेलिवेंट है इंडिया मालदीव रिलेशन है इसी के साथ हम इंड करेंगे थोड़ा सा उधर एक चीज़ देखेंगे सिर्फ मालदीव और इंडिया का जो अभी हमने चाइनीज़ इंटरप्शन चाइनीज़ जो लीनिंग देखा है मालदीव का उसके लिए काफ़ी वो है उसको डिस्कशन चल रहा है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में भी इसकी बात हुई थी श्रीलंका ने बोला है कि इंडिया के सपोर्ट में ही बोला है कि कोई भी अगर वेसल्स आता है रिसोर्स या मिलिट्री यूज होता है दिस इज नॉट गुड फॉर द होल रीजन तो इन्होंने नहीं परमिट किया इनसे पूछा कि आपने इंडिया के हिडर से मना कर दिया क्या चाइनीज का तो इन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया ठीक है एक चीज याद रखिएगा कि श्रीलंका आर जो है रीजनल कॉम्प्रीहसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पार्ट है इन्होंने कहा कि हमारा मार्केट छोटा है हमें ज़्यादा मार्केट चाहिए इसलिए हम इसमें जा रहे हैं इंडिया के पास तो ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट है फिर इन्होंने एक चीज़ ध्यान रखेगा इंडिया और श्रीलंका रिलेशन में कि हमारे पास ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है श्रीलंका के साथ तो ऐसे याद करने से नहीं याद होता है ये बार बार न्यूज़ में पढ़िएगा तो याद हो जाएगा तो प्लीज रिम्बर दिस ओके सो दिस इज ऑल अबाउट रफा पे अटैक करने वाले रफा कहाँ पे है यस गाजा हमारा एरिया है तो प्लीज रिमेम्बर रफा इज अंडर द हमास तो यहाँ पे आई विल कंक्लूड माई सेशन हियर वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द सेशन तो यस समाप्त करता हूँ यहाँ पे अपना सेशन आप सभी का धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए ऑल द बेस्ट जय हिंद